को रिव्यू करेंगे। हेयर का 5-स्टार रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर 195 ml का कैपेसिटी के साथ आता हुआ ये पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर, हम इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसका बिल्ड क्वालिटी से लेके इसका फंक्शन से लेके, और ऑलमोस्ट 1 ईयर से हम यूज़ कर रहे हैं और ये मार्केट में अभी 16,000 के रेंज में बिक रहा है फ्लिपकार्ट में। क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसका डिटेल में आप लोग देखेंगे। और मैं फ्लिपकार्ट का पेज इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि आज के डेट में क्या रेट में चल रहा है। ये पहले बहुत कम रेट में था और अभी बहुत ज़्यादा रेट में बिक रहा है। क्या आज के डेट में आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, चलिए आपको डिटेल में आपको बताएंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं अभी एक्सटर्नल बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर हेयर का 5-स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर का। ये सिंगल डोर है, मेनली जिन लोगों के घर में 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मेंबर है उनके लिए ये एडिक्वेट है। तो इसका बिल्ड क्वालिटी अगर एक्सटर्नल बॉडी की बिल्ड की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है, एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ का आपको मिल जाएगा और इसमें आपको 10 ईयर्स का वारंटी भी आता है कंपनी की तरफ से नॉन कंप्रेशर में। और इसका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन जो 135 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट का फ्लैक्चुएशन को ये कंट्रोल कर सकता है और 1 घंटे का आइसिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें है। पहला इसका अगर इस फ्रंट डोर की बात करूँ, ये जो बिल्ड है ना ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। इसका हैंडल भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका ये प्लास्टिक बिल्ड है बट बहुत स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, आपको फाइबर जैसा प्लास्टिक का ग्रेड दिया गया है। और इसका जो एजेस है आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कमाल का है। और पूरा पीछे का हिस्सा पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड है, ये जो दोनों साइड टॉप एंड बैक सारे पूरा एल्यूमिनियम का बिल्ड बना हुआ है, गिवन हर एक साइड भी पूरा एल्यूमिनियम का बिल्ड में बना हुआ है ये पर्टिकुलर। नीचे के हिस्से में आपको स्टैंड भी मिल जाते हैं, 4 पहिए भी मिल जाते हैं, 4 लेग्स आपको मिल जाते हैं, ऐसे अच्छे बिल्ड क्वालिटी से बना हुआ है ये लेग्स, आपको डैमेज होने नहीं देगा। और इसका बॉडी आप देख सकते हो पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड है। दोस्तों चलिए अभी बैक साइड का बिल्ड और कैसा दिखता है तो आपको पता होना चाहिए, तो आपके लिए मैं बैक साइड का इमेज कैप्चर करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह है। इसमें वाटर जो डिस्पेंस होता है डीप फ्रीज होने के बाद अगर आप उसको वार्म कर देते तो जो वाटर डिस्पेंस निकल जाता है, जो बर्फ ने गल जाता है ना, तो वो पानी के स्टोरेज टैंक इसमें नहीं दिया गया है, तो पानी निकालने के लिए आपको देसी जुगाड़ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखी हुई है। बाकी पीछे का आप देख सकते कंडीशन वगैरह कैसा है। अभी अंदर का हिस्से में भी आपको दिखा दूंगा, अंदर में आप देख सकते हो ये जो कंट्रोल करने का नॉब दिया गया है, इसमें आप इसका टेम्परेचर घटा सकते हो बढ़ा सकते हो, विंटर मानसून एंड समर 3 तरह का मोड दिया गया है। अंदर का लाइट आप देख सकते हो वाइट कलर का लाइट दिया गया है। ये डीप फ्रिज का जो हिस्सा है उसमें चेक ट्रे दिया गया, पानी इसी में जम जाते हैं, बर्फ़ भी जम जाता है, तो ऐसे करके देख सकते हो कितना बर्फ जमा हुआ है इसमें। और उसके नीचे ये जो ट्रे है ग्लास का, टफ एंड ग्लास का ट्रे दिया गया है, अच्छे क्वालिटी का ग्लासेस है सारे 3 दिया गया है, टफ एंड ग्लास का ट्रे अच्छे क्वालिटी होल्ड कर लेता है, बहुत भारी भारी चीज़ है। 4 ग्लासेस दिया, उसके नीचे जो सब्जी का ट्रे दिया वो भी प्लास्टिक है बट अच्छे क्वालिटी इसका दिया गया है। साइड का जो ट्रेज है वो भी आप देख सकते हैं अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, इतनी आसान से डैमेज तो होगा नहीं, 5-7 साल तो आराम से चल जाएगा, देख सकते हैं। बाकी गैसकेट का क्वालिटी भी आप लोग देख लीजिए, ये जो साइड का जो जॉइनिंग का गैसकेट है वो भी अच्छे क्वालिटी का, एकदम प्रॉपरली इसको लॉक करता है, आप देख सकते हैं इसको प्रॉपरली ये लॉक हो चुका है, तो ठीक ठाक है। हायर का
इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत अच्छा नाम है, एक्सपर्टाइज भी बहुत अच्छा है, तो क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज़ कंपनी ने किया नहीं। इसमें आपको लॉक भी मिलता है, चाइल्ड लॉक, सेफ्टी लॉक बोल जो भी बोल सकते हैं, सब तो कुछ मिल जाते हैं। ओवरऑल गुड प्रोडक्ट है, रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। आपको बाय लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर बने लगे। थैंक यू, सब्सक्राइब को जरूर करिएगा चैनल में और वीडियो को शेयर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून।